दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एमके सिंह और बाजार विश्लेषक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं और फिजिकल गोल्ड के बराबर रिटर्न कमाना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप कोई भी म्यूचुअल फंड आप हमारे थ्रू यानी कि एडी कैपिटल के थ्रू खरीद सकते हैं। इसके लिए वन टाइम डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होगा ऑनबोर्डिंग के लिए। सो इस वीडियो के लास्ट में एक व्हाट्सएप नंबर भी आपसे शेयर करूंगा, जिस पे आप अपने सभी डॉक्यूमेंट मुझे शेयर करेंगे। वन टाइम ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस होगा एंड देन फ्यूचर में आप कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप सर्विस लेना चाहते हैं, वो मेरे थ्रू यानी कि एडी कैपिटल के थ्रू आप ले सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब बात गोल्ड में निवेश करने की हो तो मुझे सबसे अच्छा सोवरियन गोल्ड बॉन्ड लगता है। अभी पिछले महीने यानी कि फरवरी में सोवरियन गोल्ड बॉन्ड का इशू भी आया था। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में कम से कम आपको 6200 यानी 6000 प्लस अमाउंट देना होगा 1 ग्राम गोल्ड में निवेश करने के लिए। अब यहीं पे कई लोगों का एक सवाल आया था कि अगर उनके पास इतना पैसा नहीं है वन टाइम एक समय में देने के लिए यानी कि लमसम इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या किया जाए। तो इनके वैसे लोग जो एक बार नहीं दे सकते हैं 6000, 1 ग्राम गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन यदि आप 6000 या 6000 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट लमसम के तौर पे करना चाहते हैं तो आप वेट कीजिएगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में एडिशनल बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट आपको देती है वो है 2.5% का एडिशनल रिटर्न मिलता है, वो कहीं नहीं मिल सकता। तो ये RBI का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अच्छा ऑप्शन है। लेकिन यदि आप मंथली बेसिस पे SIP करना चाहते हैं, आपके पास 6000 नहीं है, SIP करना चाहते हैं, तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कीजिए। फिर रिटर्न दोनों के ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, सिर्फ वहाँ 2.5% आपको मिलता है, वो यहाँ नहीं मिलेगा। सो होता क्या है गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम, इसके बारे में जान लीजिए। गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम का जो पैसा होता है वो गोल्ड और गोल्ड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही निवेश किया जाता है। सो इसका जो रिटर्न होता है ऑलमोस्ट फिजिकल गोल्ड के बराबर ही रहता है। मिनिमम 100 रुपये का भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 100 रुपये पर मंथ। एवरेज रिटर्न 8 से 10% का रहता है गोल्ड का। मिनिमम टाइम पीरियड आप 3 से 5 साल लेकर के चलिएगा यदि आप गोल्ड में भी निवेश कर रहे हैं तो। दोस्तों, ये इक्विटी से कम वॉलेटाइल होता है, इक्विटी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है। इसका एक और फ़ायदा है कि पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है। कई बार इक्विटी का रिटर्न्स नहीं रहता है वैसा, तो गोल्ड से आपको रिटर्न उस टाइम में देखने के लिए मिल जाता है। तो बहुत ही बेसिक सा फंड है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल निवेश कर सकते हैं। पिछले 5-7 सालों में क्या रिटर्न रहा है आपके सामने है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको 8 से 10% का ही रिटर्न की उम्मीद यहाँ से रखनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि 10% से ऊपर का भी रिटर्न आया है, बट वो 3 साल में है। जैसे जैसे आप इसको 7 साल में देखेंगे तो ये रिटर्न कम होता गया है। सो आप यहाँ देख लीजिए कि 3 साल में लगभग 13% से आसपास, 13% के आसपास सभी फंड ने दिया है। 5 साल में 14% का ऑन एन एवरेज रिटर्न रहा है और 7 साल में 11% का रहा है। तो मोर और लेस रिटर्न सबके सिमिलर ही रहेंगे, क्योंकि सभी का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी सिमिलर ही होता है। चाहे वो SBI हो, चाहे वो HDFC हो, निपॉन, कोटेक, किसी में भी आप जा सकते हैं। एसेट साइज़ भी अगर आप देखेंगे तो 1500 करोड़ के प्लस में हैं, 1500 से 1600 करोड़ के बीच में ही सभी का है। तो आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। हमारे थ्रू आप कैसे निवेश करेंगे, आप KYC कंप्लायंस कस्टमर हैं तो आपको कुछ नहीं करना है सर, सेल्फ अटेस्टेड की कॉपी शेयर कर दीजिएगा और साथ में एक कैंसिल चेक, बस ये 2 डॉक्यूमेंट हमें चाहिए यदि आपका KYC हो रखा है तो। ठीक है, जिनका KYC नहीं हुआ है उनको क्या करना है, उनके लिए है ये 2 डॉक्यूमेंट तो कॉमन ही रहेंगे। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ आपको देना है, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर कार्ड। तीसरा है कि उनको एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर की फ़ोटो खींच के भेजनी है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींच करके उनको भेजनी है।
ये कुछ डॉक्यूमेंट के लिस्ट हैं, इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए नॉमिनी का तो वो हम व्हाट्सएप उनको कर देंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस पे कॉल ना करें, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेरी होगी वो व्हाट्सएप के जरिए सॉल्व की जाएगी। तो सबसे पहले आप ये डॉक्यूमेंट आप शेयर करेंगे ताकि हम आपको ऑन बोर्ड कर पाएँ। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि उनका केवाईसी हो रखा है या नहीं हो रखा है, वो सिर्फ मुझे पैन नंबर भी शेयर कर सकते हैं। पैन नंबर शेयर करने के बाद मैं चेक करके बता दूंगा कि उनका केवाईसी हो रखा है या नहीं है, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और इस पर आप मुझे अपना डिटेल शेयर करेंगे। शेयर करने के साथ ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।